हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि हर एक नया टॉपिक लेकर आता हूँ, तो आज आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पोलर ब्लू पैराफिश का टॉप 10 टैगमेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो स्पीशीज का साथ हैप्पीली रहेगा, आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा स्पीशीज को रखने में। बहुत ही अच्छा टैगमेट्स है, तो जो 10 टैगमेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा टैगमेट्स है। तो इससे पहले मैंने स्पीशीज का ब्रीडिंग का वीडियो, स्पीशीज का केयर कैसे करें, इसका जो फ्राई आता है उसका भी केयर कैसे करें, मेल फीमेल आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, मैंने इस वीडियो यूट्यूब पर पहले डाल दिया था। उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्लियरली डिटेल्स में आपके साथ शेयर किया, मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी आपके साथ शेयर किया, मेरा जो प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर किया हूँ केयर कैसे करें, उसका फ्राई आता है कैसे, एक लेइंग कैसे करते हैं, तो पूरा ही क्लियरली आपके साथ डिटेल्स में शेयर किया दिया था। तो जो लोगों ने उस वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा, तो वीडियो का ऊपर जो आई बटन है उसको उसका लिंक मिल जाएगा, और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे उस पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आप जाकर देख सकते हैं। तीनों वीडियो है, आप जाकर जरूर देखिए अगर आपके पास पोलर ब्लू पैराफिश है। तो आज जो टैगमेट्स बताने वाला हूँ वो आप लोगों ने रिक्वेस्ट बहुत किया है, उस वीडियो में कमेंट किया है कि इस फिशेस का साथ कौन कौन फिश रखना सबसे बेस्ट होंगे, ये मुझे बताओ। तो इस वजह से मैंने आज का ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। मैं आपके साथ जो टॉप 10 टैगमेट्स शेयर करने वाला हूँ, बहुत अच्छा टैगमेट्स से बहुत अच्छा पोलर ब्लू पैराफिश के साथ रह जाएगा। तो इससे पहले अगर इस चैनल पर आप नया है, अगर इस चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैंने ऐसे ही फिश रिलेटेड नया नया इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला नंबर पर जो फिश आता है वो बहुत ही एक पॉपुलर फिश भी है, और इस कैटेगरी का भी फिश है, वो है ब्लैड रेड पैरट फिश। ब्लैड रेड पैरट फिश आप पोलर ब्लू पैरट फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप ये हैप्पीली रह जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होगा इस फिशेस को रखने में, आपको साइज के हिसाब से रखना होगा। मानिए आपके पास 1 इंच का पोलर ब्लू पैरट फिश है, तो आप इसके साथ 3 to 4 इंच का ब्लैड रेड पैरट फिश आप इसके साथ रख सकते हैं, 1/3 साइज के हिसाब से आपको रखना होगा। इसके बाद फिर जो फिश आता है वो है रेनबो शार्क फिश। रेनबो शार्क फिश भी आप पोलर ब्लू पैरट फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, लेकिन वही साइज पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपके पास 1 इंच का पोलर ब्लू पैरट फिश है तो आपको 3 to 4 इंच का हिसाब से रेनबो शार्क रखना होगा। इसके बाद आपका जो टैंकमेट से वो बहुत ही एक अच्छा टैंकमेट से बहुत ही हैप्पीली रह जाएगा पोलर ब्लू पैरट फिश के लिए, वो है सिल्वर डॉलर फिश। सिल्वर डॉलर फिश आप पोलर ब्लू पैरट फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और कोई भी साइज का हिसाब से आप इसके साथ रख सकते हैं। सिल्वर डॉलर फिश एक बहुत ही अच्छा फिशफुल फिशेस है। इसके बाद फ्रेंड जो फिश आता है वो है सीवेरम फिश। सीवेरम फिश भी आपको कोई भी साइज का हिसाब से आप पोलर ब्लू पैरट फिश के साथ आसानी से रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप गोरामी फिश रख सकते हैं पोलर ब्लू पैरट फिश के लिए। गोरामी फिश भी एक अच्छा टैंकमेट से पोलर ब्लू पैरट फिश के लिए, आप कोई भी साइज के हिसाब से आप पोलर ब्लू पैरट के साथ इसको रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप एंजल फिश भी रख सकते हैं, कोई भी साइज के हिसाब से आप एंजल फिश रख सकते हैं पोलर ब्लू पैरट फिश के लिए। एंजल फिश एक बहुत ही अच्छा टैंकमेट से पोलर ब्लू पैरट फिश के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप बार्ब्स कैटेगरी में टाइगर बार्ब फिश इसके साथ रख सकते हैं। टाइगर बार्ब फिश भी आसानी से पोलर ब्लू पैरट फिश के साथ रह जाएगा, हैप्पीली रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स टेट्रा कैटेगरी में एक ही टेट्रा फिश आप रख सकते हैं, वो है एम्पेरर टेट्रा फिश। एम्पेरर टेट्रा फिश पोलर ब्लू पैरट फिश के साथ आसानी से रह जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये हैप्पीली रह जाएगा ये टेट्रा फिश। लेकिन इसके साइज के हिसाब से रखिए, बहुत ही अच्छा टैंकमेट्स होगा अगर ये इक्वल साइज है तो ये टेट्रा फिश। इसके बाद फ्रेंड्स चिगलेट कैटेगरी में आप कोई भी चिगलेट फिश इसके साथ रख सकते हैं, लेकिन आपको साइज के हिसाब से रखना होगा, 1/3 साइज के हिसाब से आपको रखना होगा। मानिए आपके पास 1 इंच का पोलर ब्लू पैरट फिश है, तो आप 3 to 4 इंच का चिगलेट फिश आप इसके साथ आसानी से रख सकते हैं। लेकिन चिगलेट फिश रखने के लिए मैं आपको एक ही फिश सजेस्ट करूँगा, आप वो फिश आसानी से हैप्पी इसके साथ रह सकते हैं, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, वो है फायर माउथ चिगलेट फिश। फायर माउथ चिगलेट फिश पोलर ब्लू पैरट फिश का एक अच्छा टैंकमेट से बहुत ही अच्छे इसके साथ रह जाएगा अच्छे से।
इसके बाद फ्रेंड्स लोचेस कैटेगरीज में एक फिश रख सकते हो है क्लाउन लोचेस फिश। क्लाउन लोचेस फिश आप पोलर ब्लू पैराट के साथ आसानी से रख सकते हैं, इसके साथ हैप्पी हैप्पीली रह जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था टॉप 10 टैंक मेट्स जो पोलर ब्लू पैराट फिश के साथ आसानी से रह जाएगा, हैप्पी हैप्पीली रह जाएगा पोलर ब्लू पैराट फिश के साथ। ये बहुत ही अच्छा टैंक मेट्स है, अगर आपके पास पोलर ब्लू पैराट फिश है तो आप इसमें से कोई भी फिश आसानी से इसके साथ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो इस वीडियो एक लाइक करना और ऐसे ही फिशेस का नया नया इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।